नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत चर्चित कविता के बारे में जानेंगे। कविता का नाम है कौन जात हो भाई, जिसके लेखक हैं बच्चालाल उन्मेष। उन्होंने इस कविता के माध्यम से दलित शोषित वंचित समाज के लोगों के जीवन के बारे में बताया है। वह अपनी कविता में लिखते हैं कि कौन जात हो भाई, दलित है साहब, नहीं मतलब किसमें आते हो, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की गई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या खाते हो भाई, जो एक दलित खाता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या खाते हो। आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ, नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या पीते हो भाई, जो एक दलित पीता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या पीते हो। छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब, मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या मिला है भाई, जो दलितों को मिलता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या मिला है। जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी गई गंदगी और 30 पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी, मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या किया है भाई, जो दलित करता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या किया है। 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब, मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।